शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप जानती हैं? हमारे पापा के मरने के बाद हमारी माँ कई हफ्तों तक सो नहीं पाई। ऐसे ऐसे लेके बैठते थे अपनी माँ को अपनी गोद में, कोशिश करते थे कि वो सो जाए, उन्हें खिलाने की कोशिश करते थे। और हमारी अम्मा, उनको तो होश ही नहीं था। और छुटकी छुटकी ऐसे वहां चौखट में बैठती थी वो, और ताकती रहती थी कि पापा आएंगे। हमने अपनी जिंदगी के 12 साल इसी शोक के साथ काटे, जो ना 13वीं से कम हुए और ना 8वीं से। शिवांश, हम समझ सकते हैं एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है। हमने भी खोया है। हमारे पापा को अपनी आंखों के सामने गोली लगते हुए देखा है, पर ये झूठ है। जिसने भी तुम्हें ये बताया है ना, ये झूठ है। हमारे बाबा ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें ना जरूर जरूर ताई जी ने बोला होगा, है ना शिवांश? ताई जी किसी की सगी नहीं है। वो ना तुम्हारे गुस्से का फायदा उठा रही है, तुम्हारे दर्द का फायदा उठा रही है। वो हमारे पापा ऐसा नहीं कर सकते। जब अपने बाप के पापों के हिसाब की बारी आई तो आप हमको सफाई दे रही है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, बदला तो हम लेकर रहेंगे। शर्मी ठाकुर, आपके बाबा ने हमारे पापा को मारा, इस थवेली को शमशान बना देंगे हम। चिताएं चलेंगी यहां पे, चिताएं, और तब करेंगे हम अपने पापा की अस्थियों को विसर्जन। तब पूरा होगा हमारा शोक। तू चंद्रा के रास्ते में आता है ना, चंद्रा उसके रास्ते में रोड़े ही रोड़े बिछा देती है। समझती क्या अपने आपको? अब अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करें, भानु जानू से पूछ लो। इस तरह से पति और पत्नी के बीच में घुसना अच्छी बात नहीं। ना 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 ना, पति पत्नी के बीच में नहीं, हमारी नजरें तो सिर्फ एक पर हैं। और ये पकड़ो और खुद पर गिराओ। आखिर ये चाहती क्या है और इस हवेली में क्या करने आई? सबसे पहले तो ये पता करना होगा, नहीं तो ये एक एक करके सारा खेल चौपट कर देगी। और मनाओ जन्मदिन, दुखा दिया ना बच्चे का मन, पूरे दिया अब पुराने जख्म। कैसे जख्म?
हम पूछ रहे हैं कुछ आपसे। बड़के ठाकुर, ये आंख आप किसी और को दिखाना, हमारी तुमसे कोई जवाबदेही नहीं है। देखिए, आप हमसे उम्र में है बहुत बड़ी, इसलिए हम आपके मुंह नहीं लगते। एक तो आप बिन बुलाए यहाँ पे आ गई मेहमान बनके, उसके बाद आप कह रही कि जवाबदेही नहीं है आपकी। सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, ये फसाद भी तुम लोगों की वजह से हुआ है। एक मौका नहीं छोड़ते हो हमारे परिवार को नीचा दिखाने का। शिबू, शिबू तू कहाँ जा रहा है बेटा? बस वहीं रुक जाओ सब। आप सबको हमारे सर की कसम, हमें आज अकेला छोड़ दो। भैया, अम्मा, 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 अम्मा। चुली, तुम्हारा अंदाजा सही था। ये पता करो कि माजरा कहाँ है, इसका पिता कौन था। कोई ना कोई ऐसी कील है जो अटकी हुई और मैं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है। और अंदर कैसे आया? बेटा, यहां पे वही आता है या तो जिसे मारना होता है या मरना होता है, तेरी चॉइस क्या है? मारो हमें, इतना मारना हमें कि शरीर के साथ साथ दिमाग भी सुन हो जाए। शरीर पे इतने घाव देना कि सारे जख्म सुन्न हो जाए। पागल हो गया क्या तू? ये पैसे उठा और चल निकल यहां से। निकल निकल बोला ना। चल निकल इधर से। अगर हमने मारना शुरू किया ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। जानते बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते बाबा। सब ठीक है ना श्रवणी बेटा? दिया क्यों? बोला शिवांश को इतना बड़ा झूठ, बोलिए। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।